हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर साइंस क्लास। एज यू ऑल नो कि हमने साइंस में हमारा लेसन नंबर 5 फूड एंड हेल्थ स्टार्ट किया था और हमने उस चैप्टर को हाफ समझा था। आज हम हाफ चैप्टर समझने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है प्रिजर्विंग फूड। प्रिजर्व करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बचाए रखना। तो हम कई खाने की चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बचाए रखने के लिए, ख़राब होने से बचाने के लिए हम उनको अलग अलग तरीके से संभाल के रखते हैं, अलग अलग तरीक़ों से, ठीक है। तो उसे कहते हैं प्रिजर्विंग फूड। देखिए, फूड प्रिजर्वेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच फूड एंड वेजिटेबल आर प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। फूड प्रिजर्वेशन एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम खाने की चीज़ों को, सब्जियों को या फ्रूट्स को क्या कर सकते हैं, स्पॉइल्ड होने से यानी ख़राब होने से बचा सकते हैं। द कलर, टेस्ट एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड इज़ ऑल्सो प्रिजर्व्ड। यहाँ तक कि जो खाने का कलर होता है, टेस्ट होता है और जो उसके अंदर न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सब भी उसके अंदर प्रिवेंट रहते हैं यानी कि सुरक्षित रहते हैं। फूड प्रोडक्ट लास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, शेल्फ लाइफ ऑफ फूड प्रोडक्ट इज़ इंक्रीज्ड। और उनको प्रिजर्व करने से, खाने की चीज़ों को प्रिजर्व करने से होता क्या है कि उनकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि हम उसको ज़्यादा दिनों तक संभाल के रख सकते हैं, ज़्यादा दिनों तक उसको खा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ तरीके हैं फूड प्रिजर्वेशन के, यानी कि खाने को सुरक्षित रखने के कुछ तरीके हैं जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले है हमारा बॉइलिंग। बॉइलिंग एक कॉमन मेथड है किसी भी खाने की चीज़ को ख़राब होने से बचाने का, एक बहुत ही आम सा तरीका है। क्योंकि जब हम कोई भी खाने की चीज़ को बॉईल करते हैं, उबालते हैं, तो उसमें से जो भी जर्म्स हो जाते हैं, जो भी जर्म्स अगर फूड के अंदर होते हैं, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि आपकी जो मदर होती है वो दूध को उबालती हैं, है ना। तो उबालने से क्या होता है, पैकेट के दूध को उबाला जाता है, तो उबालने से उसके अंदर के सारे जर्म्स ख़त्म हो जाते हैं और दूध जो है वो ज़्यादा समय तक चल सकता है, जो कि बिना उबाला हुआ दूध ज़्यादा समय तक नहीं चल सकता। जबकि अगर उस दूध को उबाल लिया जाए तो उसके अंदर के जर्म्स ख़त्म हो जाते हैं और वो दूध जो है लॉन्गर टाइम तक चल सकता है। ऐसा ही हमारा एक और तरीका है, वो है फ्रीजिंग, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ चीज़ों को रेफ्रिजरेटर में, यानी कि कुछ खाने पीने की चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कि रेफ्रिजरेटर यानी कि जिनको आप फ्रिज कहते हो, फ्रिज के अंदर रखा जाता है ताकि वो ख़राब ना हो। जैसे कि बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देखे होंगे आपने कि उनको क्या करा जाता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बाहर रहेंगे तो वो ख़राब हो जाते हैं जल्दी। ऐसे ही मिल्क है, मिल्क को एक बार उबाल लिया जाए, उबाल के अगर फ्रिज में या रेफ्रिजरेटर में रख दिया जाए तो वो ख़राब नहीं होता है। एग हो गए, फिश हो गए, मीट हो गए, ये सारी चीज़ें रेफ्रिजरेटर में रखी जाती हैं ताकि इनकी शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ सके, यानी कि लंबे समय तक चल सके, ठीक है। एक और तरीका है फूड को प्रिजर्व करने का, वो होता है हमारा ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है किसी चीज़ को धूप में सुखा लेना, ठीक है। आपकी मम्मा भी करती होंगी घर पे कि पापड़ बनाते हैं या पोटैटो चिप्स बनाते हैं तो उनको धूप में सुखा लिया जाता है। तो ऐसे तो पोटैटो आपके क्या होते हैं कि इसमें अगर आप कट करके सिर्फ रखोगे तो स्मेल आ जाएगी, लेकिन अगर उनको ड्राई करके रखा जाएगा तो क्या होता है कि उनमें स्मेल नहीं आती है और वो लॉन्गर टाइम तक चलते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ पोटैटो ही नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको ड्राई करके उनको प्रिजर्व किया जाता है। एक उसका बहुत अच्छा एग्जांपल होता है हमारा रेड चिली। आपने देखा होगा रेड चिली को पाउडर बनाने से पहले रेड चिली को अच्छी तरह से सुखा लिया जाता है, उसके बाद उसका पाउडर बनाया जाता है ताकि वो लॉन्गर टाइम तक चलता रहे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा तरीका है फूड को प्रिजर्व रखने का, कैनिंग। कैनिंग का मतलब क्या होता है? कुछ आपने देखा होगा जैम्स के, जूसेस के पैकेट होते हैं जो कैन होते हैं, यानी कि ढक्कन बंद होते हैं, ठीक है, ढक्कन बंद होते हैं, उनको कैन्स में सील कर दिया जाता है, उनके अंदर से सारे जर्म्स, सारे कीटाणु निकाल के, सारे मॉइस्चर उसके अंदर से निकाल के उनको क्या किया जाता है, कैन में यानी कि डब्बे में बंद कर दिया जाता है, जिससे कि उनकी लाइफ जो है वो लॉन्गर होती है। जैसे कि जैम हो गया, जैम की बॉटल आप लोग खरीदते होंगे, लाते होंगे घर पे, तो आप देखते होंगे जैम की बॉटल में जैम रहता है और वो लॉन्गर टाइम तक बंद होता है और वो लंबे समय तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक और तरीका है, हाँ देखिए, जैसे कि ये हो गया आपके फ्रूट जूसेस आते हैं,
जो आप खरीद के पीते हो बाज़ार से, वो भी लंबे समय तक चलते हैं, उनके वो भी बंद होते हैं, डब्बे बंद होते हैं, उनके अंदर कैप्स लगी होती है, ढक्कन लगे होते हैं, हम उनको हटाते हैं तब उनके ख़राब होने के चांसेस होते हैं, वरना वो पैक होते हैं, सील्ड होते हैं, तो उनके ख़राब होने के चांसेस नहीं होते हैं। ऐसा एक और तरीका है हमारा फूड को प्रिजर्व करने का, उसे हम कहते हैं पिकलिंग। ठीक है, कुछ प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, जैसे कि हमारे हो गए सॉल्ट यानी नमक, शुगर यानी चीनी, और ऑयल यानी कि तेल। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि इनके अंदर अगर हम खाने पीने की चीज़ों को लंबे समय तक रखें तो वो चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, और उनमें जर्म्स जो है उनकी ग्रोथ है जो है वो स्लो हो जाती है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अचार, आपकी मम्मा घर पे अचार बनाती है, आप देखते हो अचार जो है वो लंबे समय तक चलता है। क्यों चलता है लंबे समय तक अचार? क्योंकि अचार के अंदर नमक और साथ में ऑयल मिला हुआ रहता है, जो कि उनके अंदर जर्म्स नहीं बढ़ने देता है। ऐसे ही हमारे कुछ जैम्स वगैरह होते हैं, जैम जो होता है उसके अंदर चीनी मिली हुई होती है, जिससे कि, या फिर जेली होता है उसके अंदर चीनी मिली हुई होती है, जिससे कि उनके अंदर जर्म्स नहीं आ पाते हैं। ठीक है, अचार के आप लोग देखते होंगे डब्बे, चाहे वो मार्केट में मिलते हो, चाहे मम्मा घर पे बनाती हो, या जैम्स वगैरह हो, तो ये होता है पिकलिंग का तरीका। कि पिकलिंग में हम क्या करते हैं, कोई भी खाने पीने की चीज़ है उसको लंबे समय तक चलाने के लिए उनके अंदर सॉल्ट, शुगर या ऑयल मिक्स कर देते हैं, जिससे कि उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और जर्म्स उनके अंदर जल्दी नहीं पनपते हैं। तो ये हमने कुछ प्रिजर्वेशन के मेथड पढ़े, जिससे कि हम फूड को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर जो था फूड एंड हेल्थ, वो यहीं पर फिनिश होता है। आई होप कि आप लोगों को फूड एंड हेल्थ चैप्टर समझ भी आया हो, और ये भी पता चला हो कि फूड हमारी लाइफ के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हमें उससे क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, हमें उसको हर फूड को कितनी मात्रा में देना चाहिए, और खाने को यानी खाने की चीज़ों को हम वेस्ट होने से कैसे बचा सकते हैं, कैसे उन्हें प्रिजर्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड टेक केयर।